वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एल्स एरर के बारे में, यानी पीएफ एडवांस नॉट अलाउड ओके अप्रूव्ड फाइनल सेटलमेंट के बारे में। आपको मैं इस एरर के बारे में पूरा जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये एरर क्यों आता है ओके। इस पर काफ़ी कम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ओके। साथ ही साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ कि एरर आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आप हमारे ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते ताकि आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस एरर के बारे में ओके, कि पीएफ एडवांस नॉट अलाउड अप्रूव्ड पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म 19 इज़ अवेलेबल इन द सिस्टम। इस एरर के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये एरर क्यों आता है और क्यों क्लेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को फॉर्म 31 एडवांस निकालना है और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में काफ़ी लोगों को निकालना है। आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 का जो ऑप्शन, जो 3 दिन में अमाउंट आ जाता है और एक यूएन नंबर पे एक ही बार आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया हूँ अपनी वीडियो में, बट मैं आज आपको इस एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ E06 के बारे में, पीएफ एडवांस नॉट अलाउड। अब पीएफ एडवांस क्यों नहीं अवेलेबल है, मतलब हम तो क्लेम कर सकते हैं, एडवांस हम निकाल सकते हैं, हमको जब भी निकालना है जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो हम क्यों नहीं निकाल पा रहे, हमें क्यों एरर आ रहा है जब हम अपना OTP डाल रहे हैं, जैसे कि ओके उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे, तो ये एरर क्यों आ जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्यों आता है। कैसा होता है कि आप 4-5 कंपनी में काम किए हुए रहते हैं ओके, और सब कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी अपडेट होता है। तो क्या होता है कि जब आप क्लेम करने जाते हैं प्रीवियस कंपनी का जिसमें अमाउंट ज़्यादा होता है, और आप सोचते हैं कि आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वाला निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और जल्दी भी आ रहा है, यानी 3 दिन में आ रहा है, तो इस वजह से जब आप क्लेम सबमिट करते हैं तो आपको ये एरर आता है ओके। यही रीज़न है कि आपका 4-5 कंपनी में काम किया तो आप चाह रहे कि आप पुरानी कंपनी का निकालें ओके, सर्विस हिस्ट्री पे आप क्लिक करके, या आप करंट कंपनी का भी निकालना चाहते हैं एडवांस, लेकिन आपको एरर आता है क्योंकि आपका ऑलरेडी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है यूएन पोर्टल पे। तो आपको इसके लिए कहते हैं कि आप फॉर्म 19 अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको अप्लाई करना है तो पेंशन का फॉर्म 10C भी अप्लाई कर दीजिए। तो इसके लिए ये एरर आता है, आपको सिस्टम कहता है कि आपको अप्लाई करना है फॉर्म 19 ओके, 31 अप्लाई नहीं करने देता। आप जितने बार भी करेंगे उतने बार आपको ये एरर आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप प्रीवियस कंपनी का निकाल रहे हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए न्यू कंपनी में ओके, फिर उसके बाद अगर आप वर्किंग हैं तो एडवांस निकाल सकते हैं ओके। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर आप पूरा आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट, आप पूरा फुल एंड फाइनल निकाल लीजिए ओके। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 में 3 दिन में आ रहा है, हम 15-20 दिन की वेट करें। देखिए अभी क्लेम जल्द से जल्द भी सेटल हो रहा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन लिंक में है। अब क्लेम जल्दी सेटल्ड हो रहा है क्योंकि अभी जैसे कि लॉकडाउन काफ़ी ख़त्म, मतलब जैसे कि आपको पता है कि स्टाफ बढ़ चुके हैं अभी ओके, थोड़े से स्टाफ में जैसे कि बढ़ोतरी हुए देखी जा रही है, काफ़ी जैसे कि स्टाफ इंक्रीज़ हुए हैं अभी अवेलेबल हुए, तो वो क्लेम जल्दी सेटल्ड हो रहा है ओके। तो आपको मैं इसके लिए यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप कंपनी में आप क्या कीजिए, सॉरी आप पहले ट्रांसफ़र कीजिए ओके, फ्रॉम प्रीवियस कंपनी टू न्यू कंपनी, देन क्लेम कीजिए ओके। तो यही सॉल्यूशन है। और अगर आप फिलहाल जैसे कि आप नई कंपनी का निकाल रहे हो तो आप पूरा फुल एंड फाइनल ही निकाल लीजिए, यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ओके, जो मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको फुल एंड फाइनल विदड्रॉ करना है, यही सॉल्यूशन है। ये आप करिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ओके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।